फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर को ठीक करना सिखाऊंगा। जो पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर आज मैं आपको ठीक करके दिखाने वाला हूं, दोस्तों उसके अंदर दिक्कत यह है कि वह बिल्कुल डेड है और जब हम उसको ऑन कर रहे हैं वह बिल्कुल नहीं चल रहा है। इससे पहले भी दोस्तों हमने कई वीडियो डीवीडी प्लेयर को रिपेयर करने की बनाई हैं, अगर आप चाहें तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी की मदद से आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके मदरबोर्ड में जो जो जरूरी कॉम्पोनेंट हैं मैं उनको आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपके डीवीडी प्लेयर में साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप इसकी साउंड की आईसी को चेक करें, और अगर आपकी एलसीडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आप इसके एलवीडीएस कनेक्टर को चेक करिए, और अगर आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे बैटरी में जो वायर जा रही है इसको चेक करें। तो आइए दोस्तों, अपने मदरबोर्ड को चेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यह डेड है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पावर सप्लाई कहाँ से हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाएगी। तो हम यह आईसी चेक करते हैं। इसमें हमने चेक किया कि पहली पिन पर यह 12 वोल्ट दिखा रहा है, दूसरी पिन पर 11.9, तीसरी पिन पर 31.4 और चौथी पिन पर यह 0 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर चौथी पिन पर यह 0 वोल्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आईसी खराब है। तो आइए दोस्तों, इस आईसी को बदल देते हैं, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस आईसी को किस तरीके से बदला जाए। इसके लिए हमने इस वीडियो में हॉट गन का इस्तेमाल किया है।